आज हम आपको एक नए डिजाइन का डोरमेट बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक ही पट्टी द्वारा एक जालीदार डोरमेट बनाकर दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज हम रेड कलर की साड़ी ली है। इन पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। साड़ी की चौड़ाई 1 मीटर होती है, 1.25 मीटर होती है, तो 1.25 मीटर के हिसाब से इसको पट्टियों को काट लेते हैं चौड़ाई के अनुसार। फिर इन पट्टियों को दोनों तरफ खींचने पर एक रस्सी सी बन जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से एक रस्सी सी बन जाती है। सभी पट्टियों को इस प्रकार से खिंचाई करके एक रस्सी सी बना लेते हैं। अब हम एक पट्टी लेते हैं और इस पट्टी को इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। जितना बड़ा हमें पायदान बनाना है उसके अनुसार इस प्रकार से पट्टी को रख लेते हैं। आज मैं आपको एक आयताकार साइज का डोरमेट बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं और इसके अंदर से एक नोट और लगानी है, इस प्रकार से पकड़ के, इस प्रकार से। एक नोट लगा चुके हैं और इसमें से अब इसमें से डालते हुए और इस प्रकार से पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से 2 नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ तक नोट लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक नोट लगाते हुए एक रस्सी की गुथाई कर ली गई है। पीछे भी अच्छी डिजाइन बनती है। अब इसे इस प्रकार से पलट देते हैं। अब गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से पहले इस प्रकार से नोट लगाएंगे, फिर इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है, इस प्रकार से। गैप वाले स्थान पर एक फंदा निकालना है, इस प्रकार से, और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक नोट लगाते हुए आ चुके हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे, इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से सत्य पिन डालते हैं और इस प्रकार से पट्टी को इस लूप के अंदर से निकाल लेते हैं। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं, इस प्रकार से।
प्रकार से यहाँ तक नोट लगा चुके हैं। अब नोट लगाने के बाद में इसको पलट देते हैं। अब उसी प्रकार गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालना है। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 4-5 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार 5-6 राउंड लगाते हुए यहाँ तक डोरमेट बना चुके हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक जालीदार डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनता है। इस प्रकार से एक नोट लगाते हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से इसको टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप इस नियम के अनुसार बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा पायदान बनकर तैयार हो जाता है, डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।